हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं मुंब्रा देवी मस्त सनसेट देखने के लिए, व्यू देखने के लिए, और मंदिर भी बहुत दिन हो गया नहीं गए। तो अभी मैं और जीवन जा रहे हैं। अभी शूज पहन रहे, शूज पहन नहीं आ रहे। 80,000 के तेरा घर इसमें चले जाएगा जी। बिल्कुल 80,000 के जूते लेके आया है पहनने के लिए। तो अभी जाते हैं गाइस मुंब्रा, सनसेट भी हो रहा है, मस्त व्यू देखने के लिए जाना था, बट थोड़ा सा लेट हो गया लग रहा है क्योंकि सूरज तो डूबने वाला है। ये जैसे कि आप देख सकते हैं, तो हम जल्दी निकलेंगे और जल्दी पहुंचेंगे। नाइट व्यू तो देख के ही आएंगे, मस्त एकदम चमकता हुआ शहर। सो गाइस हम निकल चुके हैं, एक बॉटल लिए हैं क्योंकि प्यास भी लग जाती है उतना ऊपर चढ़ने के लिए। काफ़ी सीढ़ियाँ हैं तो पानी कैरी कर सकते हैं। आप भी बॉटल लेके जाइए, बहुत मज़ा आएगा फिर नाइट व्यू देखने के लिए। चलो 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 जल्दी उस पे। तो गाइस पहली सीढ़ी की शुरुआत हम करने वाले हैं। जय माता दी। बहुत ऊपर जाना है, समथिंग 700 समथिंग सीढ़ियाँ हैं, अभी चढ़ के जाना है ऊपर। सनसेट तो हो चुका है। यो, तो हम 150 सीढ़ियाँ चढ़ चुके हैं और यहाँ से देख सकते हैं थोड़ा अच्छा व्यू आ रहा है। ये करने के लिए आए थे हम, सनसेट का वेट कर रहे थे, बट सनसेट पहले ही हो गया, हम लेट कर गए। बस हम नाइट व्यू का वेट करना है। जब तक हम ऊपर जाएंगे तब तक थोड़ी सी रात हो जाएगी और लाइटें चालू हो जाएंगी, फिर दिखाऊंगा मैं। एक नंबर दिखता है इधर से, पूरा स्वर्ग दिखता है। चलो तो हम आगे की जर्नी चालू करते हैं। अभी हमें 500 सीढ़ियाँ जाने हैं तो थोड़ा जल्दी जल्दी जाएंगे। तो सबसे पहले आपको हनुमान जी का दर्शन मिलेगा सबसे आगे, और यहाँ से देखिए कितना सुंदर नज़ारा आ रहा है। और ऊपर जाएंगे तो और भी बहुत अच्छा आएगा, अभी तो लाइट भी नहीं चालू हुई है, फिर देखिए कैसे जगमग जगमग कर दे पूरा। तो गाइस आरती इधर हिंदू के, इधर मुसलमान के, दोनों जगह चालू हो गए। हम पिछली बार भी आए थे तो आरती के टाइम पे नहीं पहुंच पाए थे, और आज भी आए हैं 4 महीने बाद, तो भी लग रहा है आरती ख़त्म हो जाएगी। अभी हमको 300 सीढ़ियाँ चढ़नी है, देखते हैं। फाइनली हम पहुंच गए हैं। सो गाइस मंदिर में पहुंच चुके हैं हम, देख सकते हैं कितना अच्छा नज़ारा दिख रहा है यहाँ से, कितनी शांति मिल रही है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं आरती इधर से। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं कॉइन चिपकाने के लिए यहाँ पे, देखते हैं कैसे चिपकता है। देखते हैं इसने पुण्य का काम किया। वो एक ही बार में चिपक गया भाई, ऐसे जोर से दबाओ जितनी ताकत है। मेरे पास ताकत ही नहीं है ना, चिपक नहीं रहा है मेरा। इधर लगा, इधर इधर लग जाएगा, चिपक गया फाइनली। चलो तो अभी देर भी हो रही है। हम निकल रहे हैं, 7 बजने को है मंदिर, 7 बजे बंद हो जाता है, 9 बजे तक नहीं बंद होता है, 7:30 7 बजे ही बंद हो जाता है। एंट्री नहीं लेते हैं, जो रहते हैं उनको बोल देते हैं जाने के लिए। तो हम अभी निकल रहे हैं घर के लिए। अगर जिसको आना है वो मॉर्निंग टाइम पे तो आ ही सकते हैं, बट अगर इवनिंग टाइम पे आते हैं तो बहुत ही अच्छा सा नज़ारा देखने को मिलेगा। हमने लिया है लेस, मैंने लिया 5 मिनट। इस टाइम अपने भूख मिटाएंगे और 5 मिनट में हम पहुंचेंगे कलवा यहाँ से बाय ट्रेन, क्योंकि हमारा घर बहुत ही पास में है कलवा से। 10 मिनट लगता है आने के लिए यहाँ से बाय ट्रेन, और फिर घर पे पहुंच जाएंगे, फिर खाना खाएंगे और सो जाएंगे। हम पहुंच चुके हैं अपने घर के पास, आई मीन कॉलोनी में पहुंच चुके हैं।
हमें 2 घंटे लग गए हैं यहाँ से जाने के लिए, आने के लिए 2 घंटे में हम आए मुमरा देवी का दर्शन करके आ गए हैं। और तो हम लोग उनके असिस्टेंट को देखो जो हमारे इंतजार कर रहे थे, ये हमारा वेट कर रहे हैं। हेलो गाइस, भाग गया। सो गाइस, वीडियो को हम यहाँ पे एंड करते हैं और कमेंट बताइए आप लोग कब जा रहे हैं मुमरा देवी का दर्शन करने के लिए। जाना है तो इवनिंग के टाइम पे जाना ताकि नाइट का व्यू देख के आना, ये एक नंबर दिखेगा उधर से जैसे कि आपने वीडियो में देखा रहेगा। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगेगा, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।